गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हो आप लोग। ये मेरा पहला वीडियो है इस नए अपार्टमेंट से, और इस वीडियो में मैं आपको अपना अपार्टमेंट का टूर करवाऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। घर में घुसते ही सबसे पहले ये है इतना बड़ा वार्डरोब, जो कि मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा। इन्होंने स्पेस को बहुत अच्छे से यूज़ किया है, जैसा कि आप देख ही सकते हो कितने सारे कैबिन्स बना के दे दिए इन्होंने मुझे। और ये है इस अपार्टमेंट की विंडो। ज़्यादा बड़ी तो नहीं है, बस इसमें से एक छोटा सा सेक्शन ही खुलता है इस विंडो का। और जैसे कि आप इसमें से बाहर देख सकते हो, एक तरफ है ट्राम स्टेशन और ये गोल चक्कर, और दूसरी तरफ है ये स्ट्रीट व्यू, जो कि बहुत ही शानदार है। मुझे पर्सनली ये व्यू बहुत ही अच्छा लगता है, और मैं जब भी कभी बोर हो रहा था तो यहीं से ऐसे बाहर देख लेता हूँ लोगों को, गाड़ियों को, तो थोड़ा सा टाइम पास हो जाता है और अच्छा लगता है। और ये है मेरा वर्क प्लेस, बहुत ही सिंपल है और मुझे बहुत अच्छा लगा ये। और ये है किचन, जिसमें मुझे दिया हुआ है दो इंडक्शन प्लेट्स, साथ में एक वॉश बेसिन और बर्तन ड्राई करने के लिए थोड़ा सा स्पेस। ऊपर आप देखोगे तो इसमें मुझे अपना सामान रखने के लिए थोड़ा सा शेल्फ दी हुई है। और इस किचन में इंक्लूडेड है एक रेफ्रिजरेटर और साथ में माइक्रोवेव। और ये है मेरा वॉशरूम, जिसमें टॉयलेट और बाथरूम दोनों कंबाइंड है। और अब जरा बात कर ले फैक्ट्स एंड फिगर्स की। यह अपार्टमेंट जो है वो है अराउंड 23 क्वाड मीटर्स का, और इस अपार्टमेंट में इलेक्ट्रिसिटी, इंटरनेट, हीटिंग, फर्नीचर जैसे कि टेबल, बेड, किचन, वार्डरोब, माइक्रोवेव, फ्रिज, ये सब इंक्लूडेड है। यूजली जब आप एक अपार्टमेंट लेने जाते हो, उसके अंदर मोस्ट ऑफ द टाइम आपको कुछ नहीं दिया जाता है, आपको खुद से चीज़ें लेके आनी होती हैं, बेड हो गया, किचन हो गया, जो कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ता है। और जो मैं रेंट पे करता हूँ वो है मंथली 650 यूरोस, जो कि मुझे ओके लगा। ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं लगा, ज़्यादा सस्ता भी नहीं लगा, क्योंकि मैं फ्रैंकफर्ट में रहता हूँ, फ्रैंकफर्ट में अपार्टमेंट मिलना वैसे भी बहुत मुश्किल है, और उस हिसाब से मुझे यहाँ पे जो ये रेंट बनता है मेरा, ये मुझे ओके लगा। एक्सेप्ट दैट मैं अराउंड 45 यूरोज एक्स्ट्रा पे करता हूँ फॉर पार्किंग, जो कि यूजली हर एक को जरूरत नहीं होती है, बट मुझे ज़रूरत है इसलिए मैं पे करता हूँ बिकॉज ऑफ द सेफ्टी।